ये रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है? अब इसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि फाइंड 10 डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, है ना। तो यूनिट डिजिट तो आपने सीख लिया, पर आपसे 10 डिजिट या लास्ट 2 डिजिट पूछा जाए तो वो कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दूं कि 23 पावर 167, फाइंड 10 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, तो इस तरह के क्वेश्चन का क्या पैटर्न है वो बताता हूँ। पहले अच्छे से समझना, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 पावर 11, तो क्या होता है 2 पावर 11? 1024 × 2 2048। तो देखिए ये यूनिट डिजिट हो गया, ये 10 डिजिट हो गया, ये 100 डिजिट हो गया। लास्ट 2 डिजिट बोले तो आप आंसर बोलोगे 48। अगर केवल 10 डिजिट पूछा जाए तो आप आंसर बोलोगे 4। तो इस तरह से निकालते हैं लास्ट 2 डिजिट, वो बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट निकालना तो आपको आता है। यूनिट डिजिट के लिए स्टार्टिंग में हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि पावर में 4 का डिवाइड करके निकाल दो। एक तरीका वो भी होता है, एक तरीका और भी है यूनिट डिजिट निकालने का। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 23 पावर 167, फाइंड यूनिट डिजिट, तो आप क्या करोगे? अब तक आप ये करते आए थे पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 आया, तो 3 का क्यूब लिया 27, तो 7 आया। तो एक मेथड तो ये, और इनफैक्ट यूनिट डिजिट के लिए आप हमेशा यही मेथड यूज करना सिंपलेस्ट। पर इसका एक तरीका और हो सकता था कि हम इसमें 10 का डिवाइड कर लें, ठीक है। यदि मैं 23 में की पावर 167 में 10 का डिवाइड करूं तो क्या होगा? देखिए डिवाइडेड बाय 10, तो बताइए सबसे पहले 23 की पावर 1 लिया, तो 3 mod 10, 23 का स्क्वायर लिया 9 mod 10, मतलब -1 mod 10, 23 की पावर 4 लिया तो -1 -1 +1 आ गया, राइट। यानी पावर 4 पे 1 मिल गया, तो आपको 164 तक 1 मिलेगा, यस और नो? अब आपको 3 पावर की रिक्वायर्ड है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 23 की पावर 164 इंटू 23 का स्क्वायर इंटू 23 की पावर 1, तो नेट रिजल्ट कितना आया? 7 आया, यानी सेम आया। और इनफैक्ट ये लॉजिक आप बाय मतलब समझते भी हो कि किसी भी नंबर में, जैसे मैं बोलूं 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 10 फाइंड रिमाइंडर, तो आप क्या बोलोगे? 6। यानी किसी भी नंबर में अगर हम 10 का डिवाइड करें तो यूनिट डिजिट मिलेगा, कोई भी नंबर ले ले। अच्छा, इसी नंबर में मैं 100 का डिवाइड करूं तो क्या होगा? यस, लास्ट 2 डिजिट मिलेंगे। बस इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। किसी नंबर में यदि मैं मान लो 1000 का डिवाइड करूं तो लास्ट के 3 डिजिट मिलेंगे, 10,000 का करूं तो लास्ट के 4 डिजिट मिलेंगे। यानी जब आपको यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट निकालना हो तो आप 10 का डिवाइड, 100 का डिवाइड, 1000 का डिवाइड इस रेशियो में करते चलो। तो यूनिट डिजिट में आपको जो कंसेप्ट बताया था आप वो यूज कर सकते हो, या डिवाइडेड बाय 10। पर लास्ट 2 डिजिट अगर कभी भी निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या? डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं क्वेश्चन यही देता हूं कि 23 पावर 167, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। क्वेश्चन ये लिखा आएगा 23 पावर 167, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। अब 23 पावर 167 में आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो सबसे पहले आप 100 का डिवाइड करोगे, और 100 का डिवाइड करना बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका यह है कि 23 का स्क्वायर लिया तो 529 में डिवाइड किया 100 का, तो 29। आप हो सकता हो तो 100 तक 50 तक के स्क्वायर याद कर लो तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब 23 की पावर बोलो 4 लिया, 841, 29 का स्क्वायर, यस और नो? तो कितना आ जाएगा? 41 mod 100, ठीक है। 23 की पावर 8 लिया, इसमें रिमाइंडर 1 के चक्कर में मत रहना, तो बोलो 41 का स्क्वायर, तो 1681 mod 100, यानी कितना आ गया? 81 mod 100 या -19 mod 100, यस और नो? इसलिए 50 तक के स्क्वायर याद कर लो, 50 तक के याद है तो उसके ऊपर के माइनस से काम हो जाएगा आपका। 23 की पावर 16, तो 19 का स्क्वायर कितना? 361,
तो 19 का स्क्वायर 361, तो बोलो कितना आ गया, 61 मॉड 100 या माइनस 39 मॉड 100, यस और नो? अब आप इसको डबल करते चलो, 23 की पावर 32। अब हो सकता है अगर मान लो आपको स्क्वायर याद नहीं है तो भी क्या तरीका बताता हूं, पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठना, 39 इंटू 39, 99 जा 81, 8 93 जा 27 प्लस 8 35, 5 लिखा, 39 जा 27 का 7, 1 एंड 2, तो कितना आ गया बोलो, कितना आ गया 21 मॉड 100। कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करो, लास्ट टू डिजिट की रिक्वायरमेंट है उतना ही करो, 23 की पावर 64, 21 का स्क्वायर 441, 41 मॉड 100। एक समय ऐसा आएगा कि कंफर्म है आपको सीरीज मिल जाएगी, देखो मिल गई, ये 41 ये 41। अब पावर कितनी बड़ी हो इजीली कर सकते हो, ये अलग बात है कि आपके बहुत, अब जैसे 23 की पावर 128 लिखूं तो कितना आएगा, माइनस 19, यस और नो? इसके बाद आप डबल नहीं कर सकते, तो डबल करना भी नहीं। अब अपन देखें कितना जाना है, 167, तो इन दोनों को करें तो कितना होगा, 160, तो कितना जाएगा बोलो, यहां लिखते हैं 23 की पावर 128 इंटू 23 की पावर 32, और यहां पर इनके रिमाइंडर्स लिख लें, माइनस 19 इंटू 21 मॉड 100, पूरा मल्टीप्लाई मत करिएगा, 19 इंटू 21 9, ये हो जाएगा 91 और ये हो जाएगा 8, बोलो 99 माइनस का 99 मॉड 100 या प्लस 1 मॉड 100, राइट, 1 मतलब 01, ओके। अब आपको 23 की पावर 160 तक 01 मिल गया, अब आपकी रिक्वायरमेंट और कितनी है, 7, तो देखिए 7 कैसे आएगा, 2 प्लस 4 6, तो करी लो अपन, फिर देखते हैं क्या होगा, 23 की पावर 160 इंटू 23 की पावर 6 नेट 29 इंटू 41 इंटू 01 मल्टीप्लाई करो, 29 इंटू 41 89 मॉड 100। अब ये हुआ, फाइनली ये हुआ 23 की पावर 166 पे 89 मिला आपको। अब 23 की पावर एक और ले लो, 167 लेना है ना, तो 166 इंटू 23, तो 89 इंटू 23, तो 89 इंटू 23, इसको भी सिंपली वैसे ही करो, 39 जा 27, 7 2, 38 जा 24 प्लस 2, 26, ठीक है 8, क्यों, तो कितना जाएगा 7 4, तो 47, तो 23 की पावर 167 पे क्या आ गया, 47, तो अगर 10 डिजिट बोला है तो 4 और लास्ट 2 डिजिट बोले हो तो 47, 167 टू द पावर 234 पॉइंट लास्ट 2 डिजिट। अब देखो ये क्वेश्चन अगर बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर 1 से स्टार्ट कर दो, 1 में किया तो कितना आ गया, 67 मॉड 100 या बोलिए कितना, 33 मॉड 100 माइनस का, यस और नो? अब आपने इसका डबल किया, 167 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर कर दो, तो 33 का स्क्वायर करना है तो सिंपल 33 इंटू 33, तो 99 और ये आ गया 9, तो 89, अरे आपके काम के लास्ट टू डिजिट है ना, तो 89, तो आप लिखोगे 89 मॉड 100 या माइनस 11 मॉड 100, फिर पावर ले लिया आपने कितनी 4, तो 11 का स्क्वायर 121, तो 21 मॉड 100, 8 लिया तो 441, तो 41 मॉड 100, ठीक है 16 लिया, इसको ए लिख दो आप चाहो तो, 81 माइनस 19, माइनस 19, तो अब फिर करो इसको, 32 लिया तो 361, 61 मॉड 100 या माइनस 39,
सिक्सटी फोर करो, हाँ वो कर दो, 61 का 32 का ये हो गया 64, और ये 61 को करोगे तो 21। बस जहां पे चेन रिपीट हो जाए वहां के बाद तो कैलकुलेशन खत्म, ये रिपीट हो गया। अब 128 या सुनो, पर बहुत फायदा इसलिए नहीं क्योंकि अपने को इसका डबल नहीं करना, 256 ज्यादा हो जाएगा। तो आप किस किस को ऐड कर दो, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या है, पहले इन सबसे बड़े को ऐड कर दो ना, तो बोलो कितना, 128, 192, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 41 into 21, तो 14 और ये 2 आ गया, तो कितना 61 mod 100। अब 192 प्लस 32 कर सकते हैं क्यों, तो कर दो, तो 192 प्लस 32 किया तो ये हो गया 60, क्यों कितना हो जाएगा 224। तो ये कितना आ जाएगा 61 into 61, तो 21 वो आपने लिखा हुआ है। अब आपको 34 के लिए 10 रिक्वायर्ड है, तो पहले अलग से 10 कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 मिल जाएगा, तो करिए 167 power 8, 167 का स्क्वायर, तो 49 into 41 कर लो, कोई भी ले लो आप, बोलो 9 8, 36 का 6 9 और ये हो गया 49, तो 49 आ गया। आप 49 वहां मल्टीप्लाई कर दो तो 334, तो 21 into 49, बोलिए 9 4 और 8, 9 and 2 29, तो 29 लास्ट के 2 डिजिट आ गए। ये इसका तरीका हुआ।